न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस अड्डे पर प्रशासन की तरफ से जारी, आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस अड्डे पर प्रशासन की तरफ से जारी नई गाइडलाइन को मद्देनजर रखकर कोरोना जांच की व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन बस अड्डे पर मौजूद लोगों ने प्रशासन की उस व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। 100% बसों में से केवल 10% बसें ही बस अड्डे तक यात्री ला रही हैं और उन्हीं की सिर्फ जाँच हो रही है, बाकी यात्री बस अड्डे से पहले ही उतर जाते हैं। तो बस अड्डे पर प्रशासन की बड़ी चूक की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मद्देनजर कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर जांच की व्यवस्था बढ़ाई गई है, लेकिन बस अड्डे पर मौजूद लोगों ने प्रशासन की इस व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। 100% बसों में से केवल 10% बसें ही बस अड्डे तक यात्री ला रही हैं और उन्हीं की सिर्फ जांच हो रही है। चले नमस्कार, निशवाडी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ISBT पर। ये एक ISBT एक ऐसी जगह है जहाँ पर बस स्टैंड कहा जाता है यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए लाई हूँ क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते केसेस को मद्देनजर रख प्रशासन और भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको मद्देनजर रख प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस आज जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिनको 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं तो उनको भी अब कोविड जाँच करवानी होगी। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा जब सख्ताई के आदेश जारी कर दिए गए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा तेजी रफ्तार से अब जो भी बस से यहाँ से उतरते हैं यात्री, जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के अन्य अन्य राज्यों से जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सबका कोविड जांच की जा रही है, कोविड टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको रिपोर्ट्स भी उसी टाइम पर दे दी जा रही है। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से कि वो विजुअल्स को दिखाए एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना की जांच लगातार की जा रही है। सभी डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर तैनात कर दिए हैं, RT-PCR की रिपोर्ट जिनके पास है उनको शायद जाने दिया जा रहा है, बाकी जो भी लगभग बसेस से उतर रहे हैं यात्री, जो भी अन्य राज्य से आ रहे हैं, जो भी यहाँ से उतर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर लगातार जाँच की जा रही है, कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। जिनको 2 बार वैक्सीन के डोज लग चुके हैं उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा आदेश जो आज जारी किए गए हैं तो तब भी उनकी कोरोना की जांच यहां पर की जा रही है। अब हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का यहां पर कोविड प्रक्रिया अभी जारी है। तो अब यहाँ पर जो मौजूद है बस स्टैंड पर जो लोग लगभग रोज़ का जो देखते रहते हैं दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे और भी लोगों से जान करेंगे यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं चाहूँगी कि सर कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना को लेकर अभी सरकार द्वारा मुहिम चल, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस, उसके बाद यात्री यहाँ पर उतर रहे हैं, तो किस तरीके की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके के कोविड केसेस को जाँच की जा रही है? कोविड के जो पेशेंट निकल रहे हैं, मरीज निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। आज भी यहाँ पेशेंट करीब 36-37 निकल चुके हैं और यहाँ जो अभी यात्री आ रहे हैं वो यात्री का सही करके यहाँ टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। और सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है, और जो भी आगे होगा, देखो आजकल इतनी पेशेंट, इतनी महामारी तीसरी लहर की आई है और सरकार ने जो निर्णय लिया जल्दी अच्छा लिया है। जो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज यहाँ पर चेकिंग के दौरान कितने केसेस आए? आज यहाँ केसेस हैं 37 केस हैं। हाँ, उन 37 केसेस का क्या किया गया? उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया और उनके दोनों ऑप्शन थे, आप दोनों हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे या होम क्वारंटीन होंगे, तो उन्होंने अपने अपने घर से पर्सनल वाहन मंगाई और वो अपने घर में जाकर होम क्वारंटीन हुए। और यही मैं आपसे सवाल चाहूँगी कि इतने बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर पर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है और यहाँ पर ही कोविड टेस्टिंग की जा रही है, हमें जरूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। हम तो खुद क्वारंटीन नहीं रहते, हमेशा 24 घंटे में बीड़ी सिगरेट वाले आदमी, हम ऊपर वाले डरते, इन चीज़ों में डरते। ये बढ़ते संक्रमण के चलते अब और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि आधे लोगों का मानना तो ये है कि हम रब के बंदे हैं तो फिर हमारे को मास्क की क्या जरूरत, तो और लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है कोरोना को लेकर। जो यहाँ पे मैनेज
मैनेजमेंट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, पर उससे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जितनी भी सारी बसेज हैं वो यहाँ के रास्ते से आती हैं और उधर के रास्ते से जाती हैं, और यहाँ से जब उतरती हैं तो यहाँ के सारे यात्रियों को एक एक कर यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग के लिए लाया जा रहा है, RT-PCR की जांच के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप, मतलब अभी यात्री हैं आप? नहीं, यात्री नहीं है, मैं अपनी मम्मी को लेने आया हुआ। अच्छा, तो आप लेने आए थे यहाँ पर। आपने देखा होगा कि ISBT पर लगातार कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? टेस्टिंग चल रही तो अच्छी बात है, चलनी चाहिए, और बस। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोविड को लेकर यहाँ पर टेस्टिंग जा रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ माहौल बना हुआ है, और लगातार जो बसेज हैं वो यहाँ पर उतर रही हैं, और भी कई सारी चीज़ें। हम बातचीत करते हैं लोगों से कि सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना को लेकर यहाँ पर जो टेस्टिंग जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते तो। और आपसे जानेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो कोरोना टेस्टिंग लग रही है, बड़े बड़े जो आंकड़े हैं लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं तो असल में मैडम, मैं ना जिस हिसाब से ये मौसम चल रहा है, मौसम के एतबार से है ना, ये बीमारी जो है आम हो चुकी है अभी ना, लगभग जो है आज यहाँ जो है टेस्टिंग जो चल रही है, लगभग बता रहे हैं कि 35-36 केस इस टाइम आ चुके हैं और पॉजिटिव बता रहे हैं उनको, तो ये तो चलता ही चला आ रहा है, बीमारी बजाय घटने की ओर बढ़ रही है, तो इसमें क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि अब जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए सरकार कितने किस हद तक तैयार है? कोई नहीं, लापरवाही है सरकार की, सरासर लापरवाही है, क्योंकि जो केस बढ़ रहा है ये लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ चेकिंग होनी चाहिए थी वहाँ चेकिंग हो नहीं रही है, बॉर्डर सारे खोल रखे हैं। अब यहाँ बस अड्डे में जो 5 किलोमीटर से बैठ के आ रहा है वो बस अड्डे के अंदर उसकी टेस्टिंग हो रही है, और जो 100 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है, 110 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का, उसकी कोई टेस्टिंग नहीं है। तो टेस्टिंग हो तो सबकी हो, एक दूसरे से कंपलसरी हो। अब उधर ये जो है ना, क्या नाम, ISBT जो मतलब दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर से जो गाड़ियाँ आने वाली है उनकी कोई टेस्टिंग नहीं है, और यहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश की जो लोकल बसें हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। उस चीज़ पे जो बाहरी बसें खाली हो रही हैं उनको सारी बसें अंदर आ में या उनकी टेस्टिंग हो। ये आप मेरे आसपास जो खड़े हैं आधे लोगों ने तो मास्क भी नहीं, मैंने आपका मास्क का है? मेरा मास्क गाड़ी में रखा हुआ। तो वो आप जो बढ़ रहे संक्रमण को देख रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर आपका मास्क का है? मैं तो इतनी बात जानता हूँ, अगर कोरोना है, मैं मानता हूँ कोरोना है, जो यहाँ पे पॉजिटिव निकला जा रहा है उसको अपने घर क्यों भेजा जा रहा है, उसको अपने घर क्यों भेजा जा रहा है, तो मैं तो नहीं मानता हूँ कोरोना है। अगर मानने की बात है मेरे को कोरोना है तो मेरे को घर ना भेजा जाए, क्योंकि अगर मैं अपने घर जाऊँगा, मेरे घर के पीछे मेरे पीछे मेरा 7 परिवार है, अगर मैं घर जाऊँगा तो पॉजिटिव होगा। पर ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक घर होम क्वारंटीन होने का और एक दून हॉस्पिटल का। मैं मानता हूँ आप ये मेरे को 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक दून हॉस्पिटल का, एक मेरे घर का। अब ये देखने थोड़ा ना जा रहे हैं मेरे पीछे पीछे मैं घर में हूँ या बाहर हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इस सरकार फिर इस चीज में ढिलाई है या नहीं? नहीं मैम, जो बाहर के जो दून हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनको 2 एम्बुलेंस बुलवाई हमने, उनको दोनों हॉस्पिटल भिजवाया। तो जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई है कि ISBT तक पहुंचते पहुंचते कई आधी जो गाड़ियां होती हैं जो बाहरी राज्यों से आ रही हैं वो आधी तो खाली हो जाती है, वहीं कई कई जो चौक हैं वो वहीं पर उतर जाते हैं वहाँ के जो यात्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गाड़ियाँ पहुँचती हैं वो 10% ही गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं जिनका यहाँ से यात्री उतर कर कोविड टेस्ट हो रहा है, बाकी जो 90% लोग हैं वो बीच रास्ते में बीच चौराहों पर उतर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की ढिलाई है कि अगर कैंप्स लगाए जा रहे हैं तो हर चौक चौराहे पर लगाने चाहिए, जहाँ से यात्री उतर रहे हैं उनका भी जायजा लेना चाहिए, या फिर साथ ही साथ लोगों को पहले से ही टिकट लेने से पहले इस चीज़ के बारे में उनका टेस्ट कराना चाहिए कि जिससे कि उन्हें तभी उस टाइम ही टिकट मिले, जिससे कि बाहरी राज्यों तक पहुँचने के बाद उनका संक्रमण का जो केस है वो ना पता चले। इसी के साथ आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। दरअसल पार्टी के बड़े बड़े चेहरे एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं।
बीते दिनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी, तो वहीं अब इस फेहरिस्त में बीजेपी के और विधायक शामिल हो गए हैं। दरअसल फिरोजाबाद के शोकाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल खबर आ रही है कि मुकेश वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में मौजूद हैं। गौरतलब है कि दो दिन के अंदर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मुकेश वर्मा सातवें विधायक हैं। वहीं वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि बीजेपी में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई, सरकार में किसानों, छोटे कारोबारियों और बेरोजगारों की उपेक्षा की गई है। बता दें कि वर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। यूपी में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जनता को साधने में जुट गई हैं। देखना यह है कि बदायूं की जनता के मन में क्या है और खासकर युवा वर्ग क्या सोचता है, क्या मूड है। युवाओं का यह जानने की कोशिश की हमारे बदायूं से संवाददाता विजय राठौर ने। देखिए क्या रही लोगों की राय। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है बदायूं के दातागंज 117 विधानसभा में पहुंच चुकी है और हम जानेंगे यहां से युवाओं की सोच क्या है। युवा जिस तरफ को कमर अपना युवा कमर कस लेता है उस तरफ के लिए जो है वो पार्टी बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है। जिस तरफ युवा का रुझान हो जाता है उस तरफ जो है पूरी की पूरी पाला को पलट देता है। अगर बात करेंगे 117 विधानसभा से, हमारे साथ भैया हैं युवा हैं। आपको कितना समय हो गया बोर्ड बने हुए, कितनी बार आप? दो बार। अच्छा, क्या लगता है 117 विधानसभा में किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्या है बीजेपी ने क्या किया है? हिंदूवादी पार्टी जो भी होगी हमारे हिंदू के लिए, वो पार्टी हमारे, हम वोट उसी को देते। अच्छा, बिल्कुल एक हिंदुत्व की तरफ भावना रखते हुए। अच्छा, 117 विधानसभा में जो राजीव सिंह बब्बू भैया रहे हैं विधायक, उन्होंने किस किस तरह के काम किए? अब तक तो हमारा शेखुपुर आता था, लेकिन अब दातागंज जा गया। अब तक था शेखुपुर था, बब्बू भैया आते थे, धर्मेंद्र साग आते थे, उन्होंने बढ़िया काम किया था। अच्छा, बीजेपी की अगर बात की जाए तो भगदड़ मची हुई है, तमाम नेता जो है सपा में भाग के जा रहे हैं। क्या लगता है 117 विधानसभा में भी क्या लगेगा कि राजीव सिंह दोबारा से रिपीट कर पाएंगे? अब तक ऐसा था ना, जब तक 5 साल मलाई खाई, अब कह रहे हैं कि पिछड़ों को कुछ किया ही नहीं, पार्टी बहुत गलत है। 5 साल तक क्या किया सब नेताओं ने? स्वामी प्रसाद मौर्य थे और भी जो जलालाबाद के सागर थे, जो विधायक 12 विधायक गए, अब तक 5 साल इन्होंने क्या किया? अगर इन्हें लगता था पिछड़ों का कोई काम नहीं हुआ या फिर पार्टी गलत थी, हिंदुत्व के लिए काम नहीं किया, तो छोड़ जाते थे अपने 1 साल छोड़ करने के बाद, क्यों नहीं हुआ ऐसा? जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी भैया युवा हैं। और युवाओं की सोच क्या रहती है 2022, अभी चुनाव जो चल रहा है, आने वाले 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, तो हम लोग युवाओं की सोच क्या है? युवाओं की सोच है, युवाओं को कुछ रोजगार मिलना चाहिए। बीजेपी में बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है और बीजेपी पहले ही झूठ बोल के आई थी, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्यों रख दिया? अच्छा, 117 की विधानसभा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे एक दोहराने का मामला चला है कि दो बार यहाँ पे विनोद कुमार साग के विधायक रहे, ठीक है, राजीव कुमार 2017 में विधायक आए, तो क्या लगता है राजीव सिंह रिपीट कर पाएंगे अगर सत्ता से उनका टिकट हो जाता है? सत्ता से हो जाता है तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या कारण है? कि विधानसभा में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 3000 करोड़ बड़ा मायने रखता है एक विधानसभा को, 3000 करोड़ का काम किया है? नहीं, 3000 करोड़ का काम किया है, लेकिन जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उसमें तो नहीं किया। अपने क्षेत्र में किया तो उससे क्या होता है? अपने जहाँ दातागंज में रहते हैं उस क्षेत्र में किया तो उससे क्या होता है? सब जनता को देखना पड़ता है ना उसमें। तो हम यहाँ से जान रहे हैं दातागंज 117 विधानसभा से कि युवाओं की सोच क्या है। युवा जिस तरफ मुख करेगा उधर सरकारें बन जाएंगी, सत्ता पलट जाती है। तो इसी चरण में हमारे साथ भैया, 2022 जो है एक उत्तर प्रदेश का जो है बड़ा चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, क्या कहेंगे इसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या है विधानसभा में? यहाँ से विधायक कौन रहे? यहाँ से जो विधायक बदल रहे हैं किया जाए। अच्छा, जैसे विधायक रहे राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, तो क्या किया बब्बू भैया ने? कितना कार्य किया है जमीनी पैदा ला करके? बब्बू भैया ने कोई काम नहीं किया है, गाय इतनी छोटी भरी है, हमारा इतना बड़ा नुकसान है कि खेत खेत में आदमी रात में 11 बजे 12 बजे वहीं लेट रहा है।
तो क्या यहाँ से अगर परिवर्तन होगा बदला जाएगा तो क्या गायों से निजात हो सकती है? ये परिवर्तन गाय का हो जाए तो पूरा निजाम मिलेगा। अच्छा, और भैया हमारे साथ है कि जी क्या सोच है युवाओं की, किसको परिवर्तन ला रहे हैं इस बार? परिवर्तन तो सर यूपी में हर बार ही आया हुआ है और इस बार भी परिवर्तन ही आएगा। नया चेहरा किसे देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बब्बू आएंगे? अच्छा जी बब्बू, और बताइए विधानसभा में यहाँ पर जो है किस किस तरह के कार्य हुए? कुछ लोग तो कह रहे थे अपने दादाजी कार्य तो अच्छे हुए, कौन कौन से कोई जो काम बता दीजिए। दादाजी में आइयो ना, यहाँ पर दादाजी में आइयो, बब्बू में आओ, चाय खाओ, सब पता नहीं आओ, दादाजी में आओ, दादाजी में आओ। हाँ भैया, क्या आपको युवाओं की सोच क्या है? अच्छा, युवाओं की सोच क्या है? युवा क्या चाह रहा है? किसको परिवर्तन करके ला रहा है या पुराने सत्ता को रिपीट कर रहा है? या हमारी तो सोच यही है, क्या नाम है, अखिलेश भैया को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कोई तो एक कारण बताइए। ये बीजेपी सरकार सही नहीं है, क्यों? बीजेपी सरकार में चोरियाँ हो रही है, कुछ और भी काम हो रहे हैं। अच्छा चलिए, बीजेपी में सब चोरियाँ हो रही है, काम अच्छे नहीं है, तो अखिलेश सरकार के कोई दो काम अच्छे बता दीजिए। उसमें भी एम्बुलेंस चल रही है, क्या नाम है, 100 नंबर चल रही है। हाँ, और भी यहाँ पे ये क्या नाम है, वो बन रहे हैं, क्या नाम है, धर्मशाला वगैरह। बीजेपी की लाएंगे हम। अच्छा, बीजेपी के कोई कार्य बता दीजिए इस विधानसभा में। बीजेपी ने काफी कार्य किए हैं। हाँ, जैसे शौचालय वगैरह बनवाए हैं, आज तक की सरकार ने शौचालय नहीं बनवाए, और बाहर खुले में शौच होती थी, अब तो खैर शौचालय बन गया। अच्छा, आपका वोट बन गया है जी? पहली बार मतदान? पहली बार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहली बार मतदान करने के लिए। तो किसकी सरकार के लिए यहाँ पर जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। अच्छा ठीक है, बीजेपी। बीजेपी की कोई कार्य बताइए अच्छे। बीजेपी पहला कार्य है निष्पक्ष, जो भी भर्ती हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है। इससे पहले जो सपा सरकार मिली थी उसे सबसे पहले यादवों को दिया जाता था, इसमें सबके लिए आवंटित कर दी गई है सब वर्गों के लिए, की इसके लिए इतनी सीट, इसके लिए इतनी सीट। ऐसा कुछ नहीं था उसमें, बस पैसे लिए, बस अपने लोगों को या दो लोगों को भर लिया था सबसे पहले। इसमें ये बात तो सबसे पहले है, उसके बाद जो भी शिक्षा से लेकर। आप पहली बार मतदान करेंगे? यस, पहली बार। बहुत बढ़िया, बधाइयां। आप युवा हैं, युवाओं की सोच क्या है, आने वाले किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनके राज्य में काम, जैसे कार्ड बनना है, वो हरी उजाले कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं योजना जो निकाल रहे हैं उनमें भी धांधली हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, वो आरोप जिन्होंने पहले वोट नहीं दिया वो अब भी नहीं देंगे, ठीक है, और जो देना चाहते हैं वो देंगे, जो देंगे वो देंगे। वहीं बस्ती सदर कोतवाली के पचपेड़िया मार्ग पर असलहे के दम पर 1.65 लाख रुपए की लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्राइवेट कंपनी आरसीएमएस का कलेक्शन एजेंट राहुल सिंह पैसा जमा करने बैंक जा रहा था, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने गन पॉइंट पर एजेंट को रोक लिया और असलहे के दम पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर आईजी राजेश मोदक ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना कोतवाली के पचपड़िया मार्ग पर एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट राहुल सिंह जब कंपनी से सामान नगद लेकर के बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तब उनको रास्ते में तीन लोगों ने रोक करके उनसे असलाह दिखा करके उनके पास जो कैश था 1,65,000 वो लूट लिया। उनकी राहुल सिंह की तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मैंने तीन टीम बनाई हैं जो इस समय अपनी जांच में लगी हुई हैं। शीघ्र इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। वहीं जब मारपीट की शिकायत लेकर पीड़ित युवक के परिजन थाने पहुंचे तो दबंगों ने युवक के घर की महिलाओं के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की और युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजनों को भी गंभीर चोटें आईं। बता दें कि दबंगों के खिलाफ पहले भी पीड़ित युवक शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं बात करते हैं गोंडा की,
तो गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक किसान को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोली चलाने वाले एक बदमाश को किसान के बेटे ने ग्रामीणों की सहायता से दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि दो अन्य लोग भागने में सफल रहे। पकड़े गए बदमाश को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल किसान के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों ने किसान को गोली क्यों मारी इसकी छानबीन में पुलिस फिलहाल जुट गई है। थाना कोतवाली देहात में आज सूचना प्राप्त हुई कि भगवान दीन सना राम नरेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना कोतवाली देहात को अंकित चौबे द्वारा आपसी विवाद के चलते गोली मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंचकर मजरूह को जिला अस्पताल में एडमिट कराया और अभियुक्त को हिरासत में लिया। पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत होते ही अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने थाना पिसावा इलाके में करीब 5 दिन पहले मिल से गन्ना बेचकर आ रहे किसान को बंधक बनाकर लखीमपुर ले जाने बाद लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया। बदमाशों के कब्जे से एक कार, बाइक और असलाह, कारतूस, जेवर भी बरामद किए गए हैं। बदमाशों पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 4 को जेल भेज दिया है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीतापुर का यह पूरा मामला, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को रात में करीब 11 बजे एक घटना घटित हुई थाना पिसावा क्षेत्र के अंतर्गत। एक कृषक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना सेंटर पे तोल के लिए गए थे, वो अपना तोलवा के अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर लौट रहे थे। 4 व्यक्ति अपने डिजायर कार में मिले, उनको रोक के उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे तेल भरवा दो। इसी बहाने से ड्राइवर को उतार लिया, उन लोगों ने अपनी गाड़ी में बिठा लिए और उसको लेके चले गए वो लोग जनपद लखीमपुर खीरी में और गोला के पास ड्राइवर को छोड़ दिए। उनके ट्रॉली लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के वो लोग फरार हो गए। विधिवत जानकारी हुई तो ये पता लगा कि इसके 2 घंटे पहले थाना पसीगामा जनपद लखीमपुर खीरी में भी ऐसी घटना लोगों ने कारित किया था और वहाँ पर उन लोगों ने ऐसे एक ट्रैक्टर को छीना था, लेकिन उसमें तेल खत्म हो गया था, ट्रैक्टर को लोगों ने छोड़ के भाग गए थे। बिजनौर के बड़ापुर इलाके में पिछले कई सालों से शराब माफिया जहरीली शराब बनाकर गोरख धंधे को अंजाम देते आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं पर ड्रोन कैमरे के जरिए नकेल कसनी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने एक शराब माफिया को जंगल में अवैध शराब बनाते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 1,000 लीटर अवैध शराब और 10,000 लीटर लहन बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार शराब माफिया को जेल भेज दिया है। आज बढ़ापुर क्षेत्र अफजलगढ़ क्षेत्र में अवैध मदिरा के निर्माण दर्शन में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इसमें उत्तराखंड की पुलिस, जनपद बिजनौर की पुलिस थी। SPRA के नेतृत्व में CO SDM नगीना, CO अफजलगढ़ एवं स्थानीय पुलिस बल के द्वारा ड्रोन कैमरे के साथ में रेड किया गया, जिसमें मधुपुरी जंगल से रंगे हाथ रामगंगा नदी के किनारे बनाते हुए जगतार नाम का एक अभियुक्त पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। 2 अन्य उसी परिवारजन फरार हो गए। लगभग 10,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। मौके पर 1,000 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। पूरे क्षेत्र फार्मिंग की जा रही है कि अन्य कौन से अपराधी हैं एवं कहाँ कहाँ पर निष्कर्षण किया जा रहा है। आगरा में घना कोहरा छा गया है, जिसके चलते ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं घने कोहरे के कारण आवागमन में वाहनों चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के चलते अब गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और वाहन चालक अब वाहनों की लाइट चलाकर गाड़ी चलाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।